नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जाधवन और खबर मऊ से है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मऊ में महाराष्ट्र सरकार का फूका पुतला। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मऊ जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिना वारंट के राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले अर्णव गोस्वामी पत्रकार को गिरफ्तार करने के विरोध में मऊ नगर में रोडवेज बस स्टैंड से लेकर आजमगढ़ मोड़ तक पुतला फूंककर विद्यार्थी परिषद ने विरोध जताया एवं सरकार को यह चेतावनी देने की कोशिश की है कि जल्द से जल्द उन्हें रिहा किया जाए और ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों की गिरफ्तारी बंद की जाए, वरना विद्यार्थी परिषद पूरे भारत वर्ष में आंदोलन करेंगे तथा धरना प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन प्रमुख शिवम सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के पुतले को जलाया तथा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ठेस पहुंचाया है तथा जिला संयोजक ने कहा कि विद्यार्थी परिषद कभी भी किसी भी सरकार की मनमानी नहीं सहेगी, जिसने मऊ नगर मंत्री ओमकार सूरज शेखर धीरज विशाल, जिला सोशल मीडिया प्रमुख शुभम गुप्ता, जिला संगठन मंत्री अनुप जी तथा मऊ जिले के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए जनपद मऊ से राजीव रंजन सिंह की रिपोर्ट। मैं सुधांशु विद्रोही, पूर्व छात्र संगठन की जगह पीजी कॉलेज, वर्तमान में जिला संयोजक हुआ विद्यार्थी विद्यार्थी परिषद का। ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार का पुतला फूंका गया है, उद्धव ठाकरे जी का पुतला फूंका गया है। इसलिए फूंका गया है कि उन्होंने अर्णव गोस्वामी जी का गिरफ्तारी बिना वारंट भी किया है। देश का लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है उसको उन्होंने धूमिल करने का काम किया है। लोकतंत्र के जो लोकतंत्र की सरकार होती है उसका दोहन करने का काम किया है उन्होंने। ये जो काम किया है इसके लिए विद्यार्थी परिषद उनका पुरजोर विरोध करती है और आज ये अभी तो ट्रेलर है, आगे के समय में विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में पुतला फूंकने का काम और धरना प्रदर्शन करने का काम करेगा। मांग हम ये कर रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद पूरे देश में बवाल करने का काम करेगी और बवाल करने का काम करेगी और जो धरना करने का काम करेगी। आज सरकार पत्रकारों की आवाज सुनवाई जा रहा है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तोड़ा जा रहा है उद्धव ठाकरे के द्वारा और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसमें पवार जी भी मिले हुए और कांग्रेस सरकार का भी सबसे बड़ा हाथ है इसमें। आगे आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति यही होगी कि अगर आगे के समय में अगर उद्धव ठाकरे जी को, अगर अर्णव गोस्वामी जी को अगर रिहा नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए आंदोलन करने को तैयार है पूरे भारत में। उद्धव।